हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिस्कवर इंडिया विद मी। तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4:15। शट अप। आज बहुत ही ज़्यादा देर हो गई मुझे सो के उठने में, मतलब सो के तो काफ़ी देर पहले उठ गया करीब। यार मारता क्यों है? मैं मार नहीं। देखिए दोस्तों, इसकी गर्दन ही दिख रही है तो दिख ही नहीं रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं कल रात में नहीं, आज तो दोस्तों जी, हमने इसका माइक तोड़ दिया। अभी तो जी हमको दौड़ाने लगा, हम इससे तेज भाग रहे थे। हाँ तो दोस्तों, मैंने इसको भी दौड़ाया था क्योंकि इसने मेरे माइक तोड़ दिया था। हम फिजेस थे और स्पाइडरमैन थे। हाँ, ये स्पाइडरमैन बहुत बड़े वाले, तो ये भाग गए थे। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, मुझे मेरी बात बता रहे थे, ओके। मैं आप लोगों को ये बता रहा था, कल रात में हम गए थे पार्टी में, जहाँ पर आने में मुझे काफ़ी लेट हो गया, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। और मैं ऐसा सोया हूँ, मतलब रात में सोया था करीब 3 बजे, वहाँ से तो आ गए थे करीब 1:30। हाँ, ठंड काफ़ी हो रही है, हम लोग कानपुर में, हमारे काफ़ी ठंड हो रही है इस समय। करीब रात में पारा जो पहुँचता है वो 17-18 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। अपने दोस्तों के फैजान ने आज मेरे बाल और इस अपने बाल कटवा दिए थे। हाँ तो चुप रहो, मुझे मेरी बात बताने दो। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि तो तबीयत खराब होने के बाद में जो सोया, उसके बाद अभी हम उठे करीब 12 बजे के लगभग। तो सर में दर्द है अभी, थोड़ी सी सर भारी सा है। तो आज इसीलिए ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट करी हमने, अभी तो खैर 4:15 बजे है। तब से मैं क्या कर रहा था, मैं इधर ही उधर पड़ा हुआ था, बस जब से काहे की सवार है और मैं इधर ही उधर लेटा बैठा पड़ा हूँ। तो अभी मैंने सोचा लाओ ब्लॉग की शुरुआत आज की करते हैं। तो अभी 4:15 बजे हैं, आज तारीख है 30 नवंबर 2022 और वेदर है इस समय करीब 28 डिग्री के लगभग। दावत में कहाँ गए थे? दो बार दावत में गए थे जहाँ पे बहुत सारा खाना मिल रहा था। और एक खाना, एक टॉयलेट भी था और एक सुसु की नाली भी थी। बस एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था वो ये है, जो भी इसने बातों बातों में कहा के अम्मी की यानी कि मेरी मॉम की और इसकी नानी की जो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है परसों रात में, मेरे छोटे वाले सबसे छोटे भाई और मेरी अम्मी का, वो लोग बाइक से लौट करके आ रहे थे मेरी नानी के वहाँ से, तो रास्ते में उनका थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। तो बताया गई है आपको आसान, इस बारे में थोड़ा सा बताओ कैसा एक्सीडेंट हुआ था। चलो गाइस, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि मेरे अम्मी का और भाई का एक्सीडेंट हो गया था। आगे जो है वो ये बताएगा आप लोगों को। ऐसे जा रहे थे मुड़ मुड़ के, ऐसे हो गया तो वो जो थी मैं तांग मामू की गाड़ी, उससे लड़ गया। अम्मी का एक्सीडेंट हो गया, छोटे भाई का, अम्मा को आ रहा, छोटे भाई का एक्सीडेंट भी हो गया, उछल गया नुमान का यहाँ पे और यहाँ पे चोट लग गई। और मम्मी के यहाँ पे चोट लग गई पैर में। हाँ, और ये वाले अंगूठे में और कहीं नहीं चोट लगी। और पेट में भी तो लगी। पेट में गैस घुस गई। पेट में भी लगी है। और कल हॉस्पिटल में दिखाया था, एक्सरे कराया था, तो हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी है। अभी शाम हो चुकी है और हमें और अजहान को लगता है कि यहाँ हमारे घर में कोई भूत घुस आया है। भूत खराब लेती है, इसे भागता है। भूत खराब लेते ही ऐसा भागता है। एक तो भूत भूत करता भी है, भूत वाला खेलो और जय जय भूत का नाम लो।
ऐसा भागता भागते क्यों? चलिए हाँ बोलने फिर भाई अभी रात के पौने 11 बज रहे हैं और ब्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया गया था। मैंने जैसा कि आपको बताया था मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी है तो मैं फिर से सो गया था थोड़ा सा ब्लॉग करके जो आप लोगों ने कुछ देखा होगा। और अभी पौने 11 बजे 9 बजे तो उठ गया तक है तो तब से मैं थोड़ा सा रील्स वील्स चला रहा था। तो अभी पौने 11 बज रहे और अभी ये मुझसे कहता है कि आओ चलो भूत वाला खेलते हैं। तो मैं भूत का नाम लेता हूँ तो ये भाग ही जाता है। भूत ढूंढना है घर में कि नहीं ढूंढना तो फिर क्यों कह रहे हो भूत वाला खेलो? चलो जल्दी से अपने भूत ढूंढते हैं। कम ऑन भाई। तो गाइस 11:10 हुआ है और 10 मिनट हम लोगों ने चाय पीने का प्लान बना लिया है सब दोस्तों ने व्हाट्सएप पे बात करके। तो अभी चलते हैं, रेडी होते हैं चाय पीने के लिए, चल रहे हैं 1 नंबर स्टेशन के लिए। सभी लड़के आ रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी लेके, अभी बाहर मिलते हैं। चलिए तो दोस्तों अभी 12 बज गए हैं रात के और हम लोग स्टेशन रोड पर है। चाय हम लोगों ने पी लिया, हम लोग की चाय पीने का प्लान कभी भी बन जाता है। और पीछे जो आप रोड देख रहे हो मेरी जो स्टेशन रोड है मेन रोड, और पीछे ही स्टेशन छूट गया है अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। और अभी हम लोग घर के लिए अब चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है हमारे यहाँ कानपुर में और बिना कुछ पहने ही मैं आ गया था, बस टी शर्ट के ऊपर ऐसे ही मैंने जैकेट डाल ली है। अभी घर जाने की हम लोगों की तैयारी है, खाना वाना भी हम लोगों ने नहीं खाया है। आगे दो लौंडे और जा रहे हैं आज, पर सिर्फ इतना है कि आज लोग 6 की जगह सिर्फ 4 ही लोग आए हैं क्योंकि एक तो मेरठ में है और दूसरा अपने घर में घुस गया है। तो ठंड से हवा टाइट हो रही है इसलिए पहले घर चलते हैं सीधा, उसके बाद चल के आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों अभी रात के 12:30 बज चुके हैं और हम लोग घर आ गए। सब घर से कॉल्स आ गई थी तो जाहिर सी बात है रात भी ज़्यादा होगी तो कॉल्स आनी बनती है। तो हम लोग अपने अपने घर आ गए और ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। कुछ आज खास तो हो नहीं पाया आज के ब्लॉग में, तो नेक्स्ट डे ट्राई करते हैं। अभी कल मिलते हैं आप लोगों से। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।